सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शास्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज है सप्तमी, तो जमशेदपुर का ब्लॉग्स बनाने के बाद फाइनली अब हम आए हैं झिंकपानी, और आप लोग दिखाएंगे झिंकपानी में किस तरीके से होता है दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। फिलहाल आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मंदिर, हमारा प्यारा मंदिर झिंकपानी का। तो आपको चले देते हैं मंदिर का वॉक अराउंड, मंदिर में किस तरीके से हो रहा है अभी इस साल दुर्गा पूजा, और आप लोग स्टेशन, क्लब, जोड़ो पकड़ सब एरिया घुमाएंगे। बट पहले मंदिर का आप लोग दिखा देते हैं गाइस, उसके बाद फिर आप लोग को और भी एरिया में घुमाएंगे झिंकपानी का। गाइस, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घाट कलश पूजा करने के लिए, और वहां से माँ दुर्गा को लेकर के आना है गाइस घाट से। तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए, अगर आप लोग झिंकपानी से हो तो आप लोग और ज्यादा मजा आएगा, बट अगर आप लोग झिंकपानी से नहीं भी हो तो तब भी आप लोग देखिएगा ये ब्लॉग को। तदानुलेपन मात्रेण प्राणिन्यांग प्रणदायिनी स्थिरा तंतहीनो भूत्वा दुर्गा पूजा कमेटी झिंकपानी, यहाँ का एक अलग ही माहौल है गाइस, पूरा दुनिया घूम लीजिए आप, और मगर झिंकपानी का आने के बाद आपको एक अलग ही एनर्जी फील होता है यहाँ आने के बाद। माँ दुर्गा का प्रतिमा देख करके गाइस आपको मतलब भावुक हो जाते हैं लोग, और इसी के अवसर पे यहाँ पे एक मतलब बहुत ही पुराने कमेटी मेंबर्स है, राजीव अंकल, वकील अंकल, कार्तिक अंकल और बप्पी अंकल, इनसे कुछ जानते हैं मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी के बारे में। तो अंकल आप लोग बताइए कि
अभी मंदिर दुर्गा पूजा कमेटी में क्या क्या होता है और पहले कैसा था? पहले हम लोग का यहाँ पर जो मंदिर यहाँ स्थापित हुआ था 1949 से हम लोग पूजा कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो लोग, और ये मार्केट कमेटी के द्वारा शुरू किया गया था। मार्केट के जो दुकानदार थे वो लोग शुरू किया था 1949 में, और नेक्स्ट 2024 में हम लोग 75 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं, जो कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छी तरह से हो। लेकिन जब शुरुआत हुआ था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, ये कच्चा, ये जो यहाँ आप जमीन देख रहे हैं ये कच्चा था। यहाँ पर हम लोग तिरपाल गाड़ कर पूजा करते थे। आज यहाँ पर सभी लड़कों का सहयोग से और भी झिप्पानी वासी जितने भी है कॉलोनी के, उनका सहयोग से ये पंडाल जो कंक्रीट है ये बन गया है, और इसमें अभी हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता, और पहले से हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से अभी करते आ रहे हैं, और चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही करते रहे। लेकिन झिप्पानी में जितने भी पुराने लोग हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि जैसा पहले आप लोग सहयोग करते थे, अभी दूर चले गए तो कोई बात नहीं है, आजकल 4G का जमाना है, किसी भी तरह से अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5G हो गया आपका, 5G आपका। बोलो सब मिलके जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए आपको देते हैं मंदिर का वॉकराउंड पहले गाइस, और इधर गाइस शिव मंदिर। जय भोले बाबा, माँ काली का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर, गणपति बाबा का मंदिर, राधा कृष्ण जी का मंदिर। और देखिए गाइस, अब पंडित जी जो मंदिर के थे वो हमारे बीच अब नहीं है, तो उनका ये स्टैचू बनाया गया है पंडित जी का। अब उनके जो दुर्गा पूजा जो है गाइस इस साल उनके बेटे बसंत भैया कर रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी होगा। और देखिए यहाँ बन रहा है मंदिर का भोग, आज सप्तमी का भोग बन रहा है गाइस। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा किन किन लोगों को मंदिर का भोग खाने में अच्छा लगता था। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है गाइस मंदिर का भोग। तो ये बन रहा है भोग, टमाटर काट रही आंटी। सभी लोग आज बहुत ही पुराना मेंबर्स हैं यहाँ पे मंदिर में, और काफी सालों से मंदिर में सहयोग देते आ रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे अगर आप लोग पुराने हो झिप्पानी के, तो चलिए गाइस चलते हैं आप घर, और शाम में फिर दोबारा आएंगे, आपको दिखाएंगे शाम में आरती डांस वगैरह। तो आप लोग इस ब्लॉग पे बने रहिए। तो शाम हो गया है फ्रेंड्स, और हम लोग अब आए हैं घूमने के लिए फिर से वापस, और अभी आया है जोड़ा पोखर, तो आपको दिखाएंगे जोड़ा पोखर में किस तरह का पंडाल बना है। इसके बाद जाएंगे स्टेशन वगैरह भी, फिर हम चलेंगे मंदिर, फिर मंदिर का आपको दिखाएंगे आरती वगैरह। तो ये देखिए हम लोग फिलहाल जोड़ा पोखर आए हुए हैं। तो देखिए मार्केट वगैरह भी लगा हुआ है गाइस। खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह भी है। तो चले चलते हैं पंडाल के अंदर, आपको दिखाएंगे किस तरह का बना है पंडाल में और किस तरह का डेकोरेशन यहाँ पे। अष्टमी नौमी को काफी भीड़ होने वाला है, तो चले चलते हैं अंदर और आपको करवाते हैं माता का दर्शन। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है माँ दुर्गा का प्रतिमा। क्या बाबू हाई कर दो देख करके यहाँ पे, तो लो हाथ ला दो। क्या नाम है YouTube चैनल का? कीपिंग मेमोरीज। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ से, आपको दिखाएंगे स्टेशन में किस तरह का हुआ डेकोरेशन। तो आप लोग इस ब्लॉग पे बने रहिए। आज सप्तमी है जिस कारण से आज थोड़ा भीड़ कम लग रहा है, वरना अष्टमी नवमी को तो काफी भीड़ होता है यहाँ पे। अगर आप लोग झिंपानी से हो तो आप लोग तो पता ही होगा। तो हम लोग अब आ गए हैं स्टेशन और आपको दिखाएंगे यहाँ का किस तरीके का बना है मूर्ति और किस तरह का हुआ सजावट। तो ये देखिए ये है मेन गेट,
तो चलिए अब चलते हैं अंदर। अब पुन्नू हमें गाइड कर रही है, आप सीसीटीवी कैमरा के नजर में हैं। चलो आगे बढ़ो। तो ये रहा स्टेशन का डेकोरेशन गाइस। तो चले चलते हैं हम लोग अंदर, अब दिखाएंगे माँ दुर्गा का प्रतिमा आपको भी। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से स्टेशन से, आपको दिखाएंगे मंदिर का आरती, भव्य आरती गाइस। तो चलिए हम लोग अब मंदिर एरिया आ गए हैं और आप लोग दिखाएंगे यहाँ किस तरह का हुआ है डेकोरेशन। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए और देखिए मंदिर का दुर्गा पूजा किस तरीके से मनाया जा रहा है इस साल। गई है, हम लोग उसे छोड़ के आए थे घर में। छोनू बहनी है पटियाला और ये रिशु बहनी और आदित्य बहनी। हम लोग मंदिर आ गए हैं और यहाँ पे आरती होगा, अच्छा खासा आरती होगा। आप लोग इस ब्लॉग को देखते रहिए और आरती आप एंजॉय करिएगा मंदिर का। Thank you.
गाइस अभी आरती कंप्लीट हो गया है। गाइस तो चलिए संध्या आरती वगैरह कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जाएंगे क्लब। अब क्लब को दिखाएंगे किस तरह का हो रहा है वहाँ पे दुर्गा पूजा और कैसा है इंतजाम वहाँ पे दुर्गा माँ का इस साल। चलिए चलते हैं। फाइनली पहुंच गए क्लब और अब दिखाते हैं किस तरह का हुआ डेकोरेशन। अभी गाइस यहाँ पे क्लब में कुछ स्टॉल वगैरह अब नहीं लगता है क्योंकि पता नहीं ऐसे ही कंपनी का ऑर्डर है। तो स्टॉल वगैरह देखिए, पहले यहाँ पे ये स्टॉल वगैरह लगता था, अब ये पूरा खाली खाली है। जो भी स्टॉल वगैरह है सब बाहर लगा क्लब के बाहर। और आज सप्तमी है, उतना कुछ खास भीड़ नहीं है यहाँ पे। क्लब में बना है केदारनाथ गाइस इस साल, आपको दिखाते हैं किस तरह का दिख रहा है केदारनाथ धाम। मेरे फ्रेंड मिल गए सुरभि, सुरभि गिरी हाय कर दो। शर्म लग रहा है इसे। मानसी छोनो को गुड मॉर्निंग हो गया गाइस, छोनो सो गई थी और उसे ठंडा लग रहा था, देखिए वो जैकेट पहन ली है। तो हम लोग मैदान से निकल रहे हैं फ्रेंड्स और जाएंगे कुछ खाना वगैरह खाएंगे। और इस बार का जितना भी स्टॉल है सब वो लगा है मार्केट एरिया में, तो आपको दिखाएंगे किस जगह स्टॉल से अगर लगा है। और सप्तमी है जिस कारण से इतना भीड़ नहीं है, वरना खचाखच भीड़ रहता मैदान। फ्रेंड्स देखिए ये आपका कला वाला एरिया हो गया, इस तरफ हो गया मंदिर, और देखिए इस एरिया में लगाया गया स्टॉल वगैरह। तो फ्रेंड्स हम लोग आए हैं झिम्पानी मार्केट में और यहाँ पे लगाया गया स्टॉल, भवानी अंकल लगाए हैं स्टॉल। ये देखिए सत्येंद्र भैया यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं छोला बटर वगैरह का, चाउमीन वगैरह, एग रोल, क्योंकि इस साल क्लब में लगाने का परमिशन नहीं है गाइस। तो हम लोग भी बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे छोला भटूरा, सब लोग खा रहे हैं छोला भटूरा, बस सिर्फ अदिति खा रही है, अदिति का फास्टिंग इसलिए वो खा रही है एग रोल। छोला भटूरा खाने के बाद हम लोग अब खा रहे हैं जितेंद्र भैया से पान खा रहे हैं। फ्रेंड्स तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग अब आ गए वापस घर, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, काफ़ी रात हो गया है झिंगपानी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सब अभी सुनसान हो गया गाइस। तो अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हो तो, और अगर पुराने हो तो अपने फ्रेंड लोग के साथ में शेयर जरूर करिए। और आप लोग कैसा लगा हमारा झिंगपानी का ब्लॉग, हमारा छोटा सा झिंगपानी, प्यारा झिंगपानी, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ में रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।